आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के अदबार से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के दौरान से भी, जो इसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या नाम है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से देखते हैं होती क्या है। तो देखिएगा, ये हमारे पास एक जमीन है, ठीक। अब हम जरा देखिएगा क्या करेंगे, हमारे पास एक बॉडी है, उसको हमें रिवॉल्व कराना अराउंड द अर्थ, ठीक है। जरा देखिए, यहाँ पे एक बॉडी है, इसको हम थ्रो करते हैं, थ्रो करने से क्या होता है, वापस जमीन की तरफ आ जाती है इस तरह थोड़ा, ठीक है। तो जैसे और ज्यादा थ्रो करते हैं तो बेटा वो इस तरह से घूम के वापस आ जाती है, थोड़ा और ज्यादा जोर से करते हैं तो इस तरह घूम के यहाँ गिर जाती है। लेकिन थोड़ा और ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो घूमते घूमते इस तरह से जमीन के गिर्द घूमना शुरू कर देती है। बात समझ आ रही? तो वो जमीन के गिर्द क्या करना शुरू कर देगी, बेटा घूमना शुरू कर देगी। अब ये घूमना शुरू कर देगी, इसको तो हमें नाम क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या नाम दिया बेटा? क्रिटिकल वेलोसिटी। बात समझ आ रही? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा। अब जो ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, इस तरह से रिवॉल्व करती रहेगी करती रहेगी, जब इस जिस वेलोसिटी के साथ ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहेगी उस वेलोसिटी को हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहेंगे बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए इस बॉडी को एक खास वेलोसिटी चाहिए बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी के लिए, उस वेलोसिटी को हमें कहते हैं बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर ऑर्बिट चेंज हो जाए, ऑर्बिटल साइज कम या ज्यादा हो जाए, तो वेलोसिटी की वैल्यू देखिए अब कम या ज्यादा हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या वेरिएशन आती है। जरा देखो, अगर बॉडी है यहाँ पर और ये जमीन की सतह है ये वाली, अगर यहाँ से देखें ये जो हाइट बनती है, ये एक कहलाती है h, बात समझ आ गई? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है वो रेडियस है, और आगे जो डिस्टेंस बनता है वो हाइट है बेटा। अगर हम ये टोटल डिस्टेंस देखें, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये स्मॉल r के बराबर होगा। इसके बराबर होगा बेटा स्मॉल r के बराबर। स्मॉल r जो है वो r इज इक्वल टू कैपिटल r प्लस h के बराबर होता है बेटा। बात समझ आ गई? किसी भी बात मुश्किल लगे जरा पूछ लो, आगे समझ लेगा। अब देखो, अगर हम इसका फार्मूला ड्राइव करना चाहें तो फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे बेटा, ठीक है। तो फार्मूला इसका क्या बनेगा, पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बाय विच इट ऑर्बिट around the earth in a specific orbit। अगर देखिएगा, हमने the velocity of the body, ये वो velocity of the body है by which, जिसके जरिए it orbit, orbit का मतलब है revolve या move, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द रिवॉल्व करती है इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में बेटा इज नॉन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। बात समझ आ गई? इसे कहते हैं बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, समझे। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू दरअसल हमें मालूम करनी है, कैलकुलेट करनी है, और वो कितनी होगी जरा देखिएगा। अब देखो कि ये जो आपकी ये जो बॉडी है, इसका जो मास होगा वो स्मॉल m होगा, और जो अर्थ है इसका जो मास होगा वो क्या होगा बेटा? कैपिटल m। समझ आ गई? अब ये जो अर्थ है इसके ऊपर लगाइए ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगाइए बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाइए कुछ इस तरह से, जो कि इसको अपनी तरफ खींचेगी बेटा, इस बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगी बेटा? अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशन, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगती है। किस तरफ लगती है बेटा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ फोर्स लगती है, और बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स जो लगती है वो बिहेव करती है द सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सी फोर्स है तो बिहेव करती है? इसके लिए वेलोसिटी की, इसे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर हम देखें, और जो वेलोसिटी वो कुछ इस तरह से होगी अलोंग द टेंजेंट। कैसे होगी बेटा? अलोंग द टेंजेंट होती है इस तरह से, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा। किसी को बात समझ ना आए तो पूछ लो।
पता ये चला, या अगर ये सैटेलाइट है जिसका मास ms है बेटा, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगने वाले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही तरह से बिहेव करिए एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक ही फोर्स का नाम है, यानी सेम है बेटा, समझ आ गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ms कह देंगे, और बेटा r, ठीक है, ये r वो है जिस ऑर्बिट में आपकी जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह अगर आप इसकी सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला लिखना चाहें m v स्क्वायर ओवर r, अगर ms ले रहे हैं तो जल्दी ms ले देंगे, ये ms इस ms से क्या हो जाएगा, कैंसिल, बात में जा गई। तो ये r और r स्क्वायर था, ये r इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल बेटा, बात में जा गई। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल g कैपिटल m ओवर स्मॉल r, बेटा बात समझ आ गई। ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, हमने मालूम करना है v की वैल्यू, अगर v ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो इसको v नॉट भी लिख सकते हैं बेटा, इस तरह से हम, समझ आ गई। अब देखो जरा कि अगर स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, v नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कैपिटल g कैपिटल m ओवर r नॉट, बेटा समझ आ गई। देखो अगर ये हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बन जाएगा r नॉट या v नॉट, समझ आ गई, इज इक्वल टू कैपिटल g कैपिटल m ओवर r, r नॉट भी कह सकते हैं, r भी कह सकते हैं, एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास r बन जाएगा। किसी को यहां तक कोई बात मुश्किल लगी हो जरा पूछ लो, सर ये r स्क्वायर क्यों था, r पे बोले तो स्क्वायर क्यों था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा, लॉ ऑफ, हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बेटा, इसलिए मैंने यहां पे क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, नॉट ना भी करें कोई बात नहीं, अब देखो जितना बड़ा रेडियस होता जाएगा, ये रेडियस का मतलब है कि जितनी बड़ी r की वैल्यू होती जाएगी उतनी ही कम आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, उतनी क्या हो जाएगी बेटा, कम ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है ना, याद रहेगी ना बात, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जमीन से, यानी हाइट बढ़ती जाएगी, जब कोई बॉडी जमीन से जितना दूर जाती जाएगी उतना ही बेटा उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रेड सेंटर से, और उतनी ही वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि ये जो सैटेलाइट है ये ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, स्लो डाउन हो जाएगी, इसकी स्पीड कम होगी और इसको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा कि वो एक सर्कल जमीन के गिर चक्कर लगा ले, कंप्लीट कर ले बेटा, बात समझ आ गई। तो ज्यादा टाइम, बॉडी जब स्लो हो जाती है तो वो ज्यादा देर से पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह, जो बॉडी तेज होती है वो जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेती है बेटा, स्पेसिफिक डिस्टेंस, बात समझ आती नहीं है। अच्छा अब देखो जरा गौर से, अगर हम ये कहते हैं कि जो आपकी ये जो हाइट है ये इस रेडियस के जमीन के रेडियस के मुकाबले में बहुत कम है, तो फिर हम कह देंगे कि जो r डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, कैपिटल r, बात समझ आ गई। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा v नॉट कैपिटल g कैपिटल m ओवर r, समझ आएगी नहीं बात। अच्छा अब देखो जरा कि ये बात समझ, इस तरह समझ आया बेटा, नहीं है यार पूछ लो ना फिर बेटा, देखो जरा गौर से, हम कह रहे हैं कि r जो है ना ये है r, कहते हैं कि भाई r की h की जो वैल्यू है वो r के मुकाबले बहुत ही कम है, क्या बेटा बहुत ही कम है, एक वैल्यू है हमारे पास 64,000, ठीक है किलोमीटर, और एक वैल्यू है 400 किलोमीटर, ठीक है। अब जरा से क्या आ जाए, 64,400 किलोमीटर, बताओ जरा ये जो 64,400 किलोमीटर आया है ये 64,000 के करीब नहीं है रिजल्ट, ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, 400 का ही फर्क आया है,